टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी यानी कि रोजर फेडरर, नाम तो सभी ने सुना होगा, खेल भी देखा है, लेकिन इस स्टार को भी भारत के युवा खिलाड़ी ने ऐसी टक्कर दी जिसने सभी को चौंका दिया। यूएस ओपन में स्विट्जरलैंड के दिग्गज टेनिस स्टार और 20 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता रोजर फेडरर को पहला सेट हराकर भारत के युवा टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल सुर्खियों में आ गए हैं। हालांकि सुमित नागल फाइनल मुकाबले में हार जरूर गए, लेकिन मुकाबले के पहले सेट में 6-4 से जीतकर फेडरर को ही नहीं टेनिस जगत को चौंकाया। यूएस ओपन के पहले ही राउंड में भारतीय खिलाड़ी का सामना टेनिस जगत के दिग्गज रोजर फेडरर से हुआ और यहां जो टक्कर इस युवा खिलाड़ी ने रोजर फेडरर को दी, उसके बाद हर ओर इस भारत के युवा खिलाड़ी की वाहवाही हो रही है। अब जरा जान लीजिए इस खिलाड़ी के बारे में। दरअसल सुमित नागल हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं। हालांकि परिवार में किसी की भी दिलचस्पी खेल में ज्यादा रही नहीं, लेकिन सबसे हटकर कुछ अलग करके सुमित ने दिखाया है। महज 8 साल की उम्र में टेनिस रैकेट को हाथ में थामने वाले सुमित नागल एक एक कर उपलब्धियों को हासिल करते गए और कड़ी टक्कर टेनिस के स्टार प्लेयर को भी दी। ये खेल के प्रति लगाव ही था जिसके कारण सुमित नागल को झज्जर से दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि अच्छी ट्रेनिंग की कमी झज्जर में थी। हालांकि रोजर फेडरर से फाइनल मुकाबले में हार जरूर मिली है, लेकिन सुमित नागल के खेल ने सभी को कायल जरूर कर दिया है। सुमित नागल ने 2015 में जूनियर विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीता था और वो इसे जीतने वाले छठे भारतीय भी बने थे। उन्होंने वियतनाम के नाम हाउंग ली के साथ मिलकर विंबलडन में लड़कों के वर्ग का युगल खिताब जीता था। न्यूज़ तक ब्यूरो।